नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद के इस एपिसोड में आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम पतंजलि के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे सेहत के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और इसके वाकई में ही बहुत सारे फायदे देखे गए हैं। तो आज हम जानेंगे इसी के फायदे के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही नई जानकारी आप लोग को हमेशा मिल सके। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो चार चीज़ें जान लेते हैं अश्वगंधा के बारे में कि आखिर अश्वगंधा होता क्या है। अश्वगंधा, इसका लैटिन नाम विटानिया सोमनीफेरा है, वहीं इंग्लिश में इसे विंटर चेरी कहते हैं, हिंदी में हम इसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, और संस्कृत में इसे वराहकर्णी भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अश्वगंधा ही नाम इसका क्यों पड़ा, आखिर इसके पीछे इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा का मतलब होता है अश्व और गंध, यानी अश्व का मतलब होता है घोड़ा, यानी घोड़ों के शरीर से जैसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल इस पौधे से आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ गया। चलिए जानते हैं अब इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, दिमाग को तेज करता है, ब्रेन यानी मेमोरी पावर को यह बहुत ही तेज करता है। इसके सेवन करने से तनाव भी कम हो जाते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उनको याद करने की क्षमता विकसित करता है, उनमें तनाव को कम करता है, और यह छोटे से लेकर बड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो वाकई में आपकी मेमोरी पावर और आपका दिमाग बहुत ही शार्प और बहुत ही तेजी से काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह आपके शरीर की अंदरूनी कमजोरी को भी दूर करता है, थकान को दूर करता है, और आपको शक्ति व ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जो लोग कमजोर होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है वह अक्सर बीमार पड़ते हैं, उन्हें छोटी छोटी बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं। लेकिन अगर आप अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होगी, जिससे ये सब भी बीमारियां आपको कभी नहीं लगेंगी। दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है अगर उसे कोई पुरानी बीमारी न हो और वह कोई दवा का सेवन न करता हो। अगर वह दवा का सेवन करता हो तो अश्वगंधा का सेवन करने से पहले वह एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले। दोस्तों, अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है वह अश्वगंधा की जड़ों से ही बनाया जाता है। इसकी जड़ों को सुखाकर इसका पाउडर फॉर्म तैयार करते हैं। आइए जानते हैं अब इसके सेवन की विधि। इसके सेवन की विधि इसके डब्बे पर भी लिखा गया है, लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं। इसका सेवन आप दिन में एक या दो बार कर सकते हैं, और इसके जो सेवन की विधि है, आप इसको गर्म गुनगुना पानी में या हल्का सा गर्म दूध में भी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। 2 से 5 ग्राम आप इसका पाउडर ले लीजिए और उसे पानी या दूध में मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं, और ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा आपके सेहत के लिए। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पतंजलि की कोई भी छोटी बड़ी शॉप हो वहां से आप आसानी से इसे ले सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है जो इस चूर्ण को निकालती है, लेकिन अगर दूसरी कंपनी से तुलना करें तो पतंजलि का जो यह प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है और सस्ता भी है। रेट की अगर हम बात करें तो इसका रेट है 56 रुपया, और अगर दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में बात करेंगे तो यह काफ़ी कम है, क्योंकि दूसरे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगे हैं और शायद इतने कारगर ना हो, लेकिन यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है पतंजलि का, इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप भी इसका सेवन करिए। इसके अलावा भी अश्वगंधा के ढेर सारे फायदे हैं। दोस्तों, कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और कहा जाता है कि अगर कैंसर प्रथम स्टेज में हो तो इसका सेवन करने से कैंसर पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है, और पुरुषों में आई शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से इसका सेवन करें तो पुरुषों में आई शारीरिक कमजोरी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, थायराइड से ग्रसित व्यक्तियों को भी अश्वगंधा का सेवन करने की सलाह दी जाती है। शरीर की थकान हो, कमजोरी हो, दर्द हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं।
देखा दोस्तों आप लोगों ने अश्वगंधा के कितने सारे फायदे हैं, तो आज से आप भी इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, दिमाग को तेज रखना है, मेमोरी पावर को बढ़ाना है, शारीरिक कमजोरी को दूर करना है, थकान और दर्द को दूर करना है, साथ ही साथ थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों से अगर आपको बचना है, तो आज से आप भी अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी शुरू से ही यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सही वो सटीक जानकारी पहुंचा सकें, जिसका लाभ आप उठा सकें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बने बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी सारी वीडियो को आसानी से देख सकें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए।